आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का हलवा, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही खाने में टेस्टी है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया कलर आया है। दोस्तों आज मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी जिससे आपका हलवा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा और बहुत ही बढ़िया कलर आएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ ज्योति। तो लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर दूध को गर्म करूँगी। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और 1 केजी के करीब दूध लिया है। दूध को गर्म होने देंगे, गैस ऑन कर देंगे और इस तरह से मैंने दूध को भगोने में डाल के गर्म कर लिया है। और 1 लीटर दूध को आपको आधा लीटर दूध करना है, यानी कि दूध को गाढ़ा करना है। होने देंगे दूध को, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक यहाँ पे हम लौकी को ग्रेट कर लेते हैं। देखिए हलवा बनाने के लिए आपको लौकी लेनी है और लौकी मैंने यहाँ पे 1 केजी के करीब ली है। आपको अच्छे से पहले वॉश कर लेना है पानी में, फिर आपको कपड़े से पोंछ लेना है, सुखा लेना है। और यहाँ पे इसको हम ग्रेट करेंगे, तो देख पा रहे होंगे इस तरह से पहले लौकी को पील करेंगे। तो पीलर की हेल्प से आपको सारी लौकी को पील कर लेना है। और देखिए इस तरह से मैंने सारी लौकियों को पील कर लिया है और इसके आगे पीछे की जो पार्ट है इसको निकाल देंगे। देखिए इस तरह से निकाल देना है और बीच में से आधा कर लेंगे और फिर ग्रेट करेंगे। देखिए दोस्तों, लौकी का हलवा बनाने के लिए आपको लौकी बिल्कुल फ्रेश लेनी है और छोटे बीज वाली लौकी लेनी है, तभी आपका हलवा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। देखिए मैंने छोटे बीज वाली लौकी ली है। अब करना क्या है, पील करने के बाद आपको इसके जो बीज वाला पार्ट है, बीच में जो बीज वाला पार्ट होता है, जो बीज होते हैं, वो आपको निकाल देने हैं। बीज नहीं होना चाहिए, इससे आपका हलवा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर जो बीज का पार्ट है वो निकाल लेती हूँ। मैंने सभी पार्ट निकाल लिए हैं, तो इस तरह से देखिए। और अब आपको ग्रेट कर लेना है लौकी को। तो चलिए हम दूध को एक बार चेक कर लेते हैं। और दूध हमारा 1 लीटर से आधा लीटर दूध हो गया है, गैस बंद कर देंगे। और दूध जो है बहुत ही गाढ़ा हो गया है, इससे समय की बचत होगी। तो चलिए अभी हम लौकी को ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है और इसमें 3 टाइप के ग्रेटर दिए हैं। देखिए एक बड़े साइज़ का, एक मीडियम, एक बारीक। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का ग्रेटर यूज़ करूँगी। तो इस तरह से आपको लौकी को ग्रेट कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये ग्रेट हो जाता है इजीली। देखिए इस तरह से हमने जो है ग्रेट कर लिया है। अब करना क्या है, गैस पर मैंने पैन रखा है, मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप कोई भी कढ़ाई या पैन ले सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे घी डालूँगी, गैस ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखनी है आपको। तो चलिए यहाँ पर घी डाल दिया है, घी को मेल्ट होने देंगे। तो चलिए हमारा घी जो है पिघल गया है। अब मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बादाम लिए हैं, कुछ काजू लिए हैं, कुछ किशमिश लिए हैं और पिस्ता लिए हैं। और पिस्ता मैंने गार्निश के लिए लिया है। तो इस तरह से आपको फ्राई करना है घी में। तो पहले मैं बादाम को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे आपको बादाम को ज़्यादा नहीं करना है फ्राई, बस थोड़ा ही करना है, कलर चेंज हो जाए। और बस थोड़ा सा होने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो हमारे बादाम लगभग हो गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ बादाम को। अब मैं थोड़ा सा काजू को भी और किशमिश को, दोनों को साथ में चला लूँगी। और काजू बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक आपको नहीं करना है। बस डाला, 1 से 2 मिनट चलाया, हल्का सा कलर चेंज हुआ, बस निकाल लिया। तो अभी हो गए हैं, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। और इस तरह से आप घी में जो है फ्राई करके डालेंगी ना, तो हलवे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो देखिए मैं सभी निकाल लेती हूँ। और अभी इसी घी में, कोई ऊपर से ज़्यादा मैंने घी नहीं डाला है, जो घी पहले से था वही है, लौकी ग्रेट की हुई डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी लौकी जो है हम डाल देंगे और बस इस तरह से आपको चलाना है, घी में मिक्स कर देना है। और इसको थोड़ा सा धीमी आंच पर होने देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए होने देंगे, ताकि ये जो लौकी है हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए मैं इसको क्या है कवर कर देती हूँ, 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर कवर कर देंगे और फिर बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे लगभग मेरे 5 मिनट हो गए हैं, चला लूँगी मैं एक बार। अभी थोड़ी सी लौकी
कड़क है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई है, क्योंकि लौकी जो है पानी छोड़ती है, तो उसी पानी में ही ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक बार फिर से कवर कर देती हूँ और 2-3 मिनट बाद फिर चेक करूँगी। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और लौकी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल पानी छोड़ दिया है। तो इस तरह से चलाएंगे। और अब मैं जो हमने दूध बॉईल करके रखा था और वो दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है काफ़ी, और दूध मैंने इसलिए पहले से गर्म कर लिया था, इससे क्या है टाइम की बचत होती है। तो इसमें ऐड कर देंगे दूध को और चलाएंगे। देखिए दूध आपका गाढ़ा होगा ना, तो इससे बहुत ही बढ़िया आपकी जो है हलवा बनके तैयार होगा लौकी का। आप चाहें तो दूध को उबाले नहीं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लौकी के साथ भी पक सकता है, लेकिन आप पहले से दूध को गाढ़ा कर लेंगे तो आपकी टाइम की भी बचत होगी और जो है हलवा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। तो चलिए होने देते हैं, इसको गाढ़ा होने देंगे और बीच बीच में चलाते रहना है आपको, और जो भी साइड में मलाई आएगी आपको चम्मच से आपको चला के एक सा कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मलाई साइड से आ रही है, चम्मच से चला के आपको प्रेस करना है ताकि जो लौकी है वो सॉफ्ट हो जाए। अभी कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और बीच बीच में चेक करेंगे और चलाते रहेंगे। तो देखिए हमारा जो है हलवा बिल्कुल गाढ़ा हो रहा है, दूध धीरे धीरे सोखने लगा है, तो देख पा रहे होंगे। देखिए इस तरह से चलाएंगे, मिक्स करेंगे और हमारा हलवा जो है बहुत ही गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ। तो 1 kg हलवा बनाने के लिए यहाँ पे छीलने के बाद 1.25 kg के करीब जो है लौकी होगी, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 कटोरी, 1 बाउल या 1 कटोरी या 1 कप आपको लेना है। मैंने इस कटोरी से मेजरिंग किया है, तो चीनी लेकर आपको डाल देना है और फिर आप बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कम लगती है चीनी तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये अमूल का मिल्क मेड पाउडर है। इस तरह से 2 चम्मच डालूंगी, ये खोए का काम करेगा, ये मावा का काम करेगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। एक बार आप ज़रूर डाल के देखिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, तब भी आपका हलवा बहुत ही बढ़िया बनेगा। अगर आपके पास मिल्क मेड पाउडर नहीं है तो 2 चम्मच आप घर की मलाई डाल दीजिए बस, फिर आपका हलवा देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार होता है। यहाँ पर मैं कलर के लिए फूड कलर यूज कर रही हूँ, मेरे पास ग्रीन कलर का फूड कलर है। थोड़ा सा दूध में मिलाकर मैंने मिक्स कर दिया है और फिर डाल दिया इसमें। देखिए पहले से ही मैंने 2 चम्मच दूध में फूड कलर ऐड करके रखा था, ग्रीन फूड कलर, और इस तरह से डाल देंगे। थोड़ा और डाल ली हूँ ताकि इसमें कलर बहुत ही बढ़िया आ जाए। और जो हलवाई वाले होते हैं वो इस तरह से ही बनाते हैं, कलर डालते हैं, तभी मार्केट वाला जो होता है हलवा, हलवाई वाला बहुत ही अच्छा कलरफुल हलवा होता है। तो इस तरह से आप डाल दीजिए। नहीं है आपके पास फूड कलर तो आप स्किप भी कर सकते हैं, फूड कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट आपका वही रहने वाला है, अगर आप फूड कलर डालेंगे तो भी और नहीं डालेंगे तो भी। तो 1/4 चम्मच के करीब मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे उसको भी ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। और देखिए हलवे ने बिल्कुल भी दूध सूख लिया है और घी छोड़ने लगा है, तो बस आपका हलवा रेडी है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी और ऊपर से ऐड करूँगी, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है हलवा बिल्कुल गाजर के हलवे की तरह बनेगा। यकीन माने दोस्तों, आप गाजर का हलवा भी खाना भूल जाएंगे। तो इस तरह से एक बार जरूर बना के देखिए। गाजर तो सीजन में आती है लेकिन लौकी हमेशा मिलती है, जब भी आपका हलवा खाने का मन करे बस लौकी का हलवा बना लीजिए। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसको एक बाउल में सर्व कर दिया है, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और दोस्तों मैंने इसको खाया, मैंने बच्चों को भी खिलाया, पहले तो मैंने इसको प्रसाद में लगाया फिर बच्चों को खिलाया, इतना अच्छा हलवा लगा ये दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप गाजर का खा रहे हैं या लौकी का। तो देखिए इसको मैंने बादाम से गार्निश कर दिया है, बहुत ही बढ़िया हमारा हलवा तैयार हो गया है, बाउल में मैंने सर्व कर दिया है। इस तरह से आप बनाइए, गेस्ट को खिलाइए, आप भी खाइए, बच्चों को खिलाइए। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।